हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन के। और बेटा अभी तक हमने दो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, आपने मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। और उसमें बेटा जो मैंने आपको नोट पॉइंट्स लिखाए थे या जो मैंने आपको सवाल कराए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की और बहुत सारे बेटा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने के पहले जितने भी बेटा स्टूडेंट्स अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सबसे पहले आप बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। उसे ज्वाइन करने से बेटा आपको बेनिफिट ये होगा कि मेरे सारे लेक्चर के अपडेट्स आपको समय से उस चैनल में मिल जाएंगे, और जो भी बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा वो भी आपको उस चैनल में मिलेगा, सो दैट कि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है वो पोस्ट होगा 14 नवंबर के दिन। तो बेटा हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सबको, एंड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही एक काम है बेटा जो आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे से करें। तो अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया से करिए, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट में पूछिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो बेटा आज का अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर इज, अपने पास बेटा दिया इंटीग्रल ऑफ हाफ से लेकर टू, इंटीग्रल ऑफ हाफ से लेकर टू 1 + x - 1/x, 1 + x - 1/x इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 1/x, ठीक है dx। ये बेटा अपने पास सवाल है, ठीक है, ये अपने पास सवाल है 1 + x - 1/x इंटू ई रेस टू द पावर x प्लस 1/x dx। ये बेटा अपने पास सवाल है और आप इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए बेटा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें अच्छी बात क्या है, आपको बेटा ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जनरली ये सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछा जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में बेटा जेई में, ये इनडेफिनेट में पूछा गया था, मतलब कि आपको इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं दी थी, इंडेफिनेट में ये चीज पूछी गई। और जब बच्चों हमको ये इंडेफिनेट में पूछा गया तो यार अक्सर जो हमारा अप्रोच होता है, अप्रोच क्या होता है, जनरल एक हमारा अप्रोच होता है कि हम एक्स प्लस वन बाय एक्स को टी मान के आगे बढ़ते, जनरल अप्रोच क्या होता है कि आप एक्स प्लस वन बाय एक्स को टी मान के आगे बढ़ोगे, क्योंकि हमने बेटा ये हमेशा माना है कि यार ई के पावर में हमको टी अच्छा लगता है, एक्स प्लस वन बाय एक्स अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा अगर आप इस सवाल में x प्लस वन बाई एक्स को टी रखोगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा बेटा। अच्छा सवाल, ब्यूटीफुल सवाल इसीलिए क्योंकि अगर आप x प्लस वन बाई एक्स को टी रखकर आगे बढ़ोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जरूर बेटा मैं ये बात मानता हूं कि पहला अप्रोच माइंड में यही आना चाहिए कि x प्लस वन बाई एक्स को टी रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट अप्रोच यही है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली अप्रोच, मैंने आपको हमेशा बच्चों ये चीज बोली है कि जब भी हमसे कोई चीज बेटा वर्क हमारे लिए नहीं करती तो हमको ऑटोमेटिकली देखना रहता है कि मैं और क्या इसमें कर सकता हूं ताकि ये चीज मेरे लिए वर्क करे, ठीक है क्या। यार यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि आप इमेजिन करिए अगर बेटा इस सवाल को मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखूं हाफ से टू, और यहां पर बेटा इसको अपन लिख लेते हैं 1 + x × इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेते हो, x इंटू 1 - 1/x², ठीक है। और ये जो पूरी चीज है ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है, e रेज टू द पावर एक्स प्लस 1/x dx, ये अब अपने पास सवाल, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से बेटा, इन दोनों टर्म्स में से मैंने x बाहर निकाला तो मेरे पास आ गया x - x × 1 - 1/x², ये चीज अपने पास आ गई। इसको बेटा देखो आप कैसे लिख सकते हो, अगर अपन e की पावर x प्लस 1/x को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास लिखा हुआ है हाफ से टू, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा e की पावर x प्लस 1/x, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होते ही आएगा e की पावर x प्लस 1/x प्लस आपके पास आएगा x इंटू e की पावर x प्लस 1/x इंटू 1 - 1/x। सिर्फ ये बेटा करना था इस पूरे सवाल में, सिर्फ यहां पे बेटा आपको सिर्फ इतना सा प्रोसेस करना था पूरे सवाल में, पूरे सवाल का खेल इतने का ही। और जो होशियार बच्चा होगा उसको दिख रहा होगा कि आंसर आ चुका है, अगर आपको दिख रहा है कि आपको आंसर आ चुका है तो मतलब आपका इनडेफिनेट में और डेफिनेट में अच्छा कमांड। और अगर आपको बेटा यहां से आंसर आता हुआ नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहनत आपको और करने की जरूरत है। देखिए बेटा यहां पर अगर आप x प्लस 1/x को t बोलते हैं, ठीक है, तो देखो ये आपके पास अगर फंक्शन लिखा हुआ है fx, तो ये बेटा जो पूरी चीज लिखी हुई है ये लिखा हुआ है x f'x, देख लो आप ध्यान से।
अगर ये बेटा आप e की पावर x प्लस 1 बाय x को fx बोलते हैं, तो ये जो पूरी चीज लिखी हुई है बगल में, दिस इज x, ये x है, और ये जो बेटा पूरी चीज लिखी हुई है, दिस इज f डैश x, क्योंकि अगर आप इसको डेरिवेटिव करते इसका, तो डेरिवेटिव करने पे e की पावर x प्लस 1 बाय x वैसे का वैसे ही रहता, और फिर कंपोजिट फंक्शन है तो चेन रूल लगाते हुए आगे जैसे इसको मैं डिफरेंशिएट करता तो x का 1 आता और 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर आता। मतलब यार ये क्या लिखा हुआ, ये तो अगर fx है तो fx plus x f dash x, ये तो यार हो ना हो, ये वो ना हो, वो वाली प्रोफाइल है fx plus x f dash x। तो यार fx plus x f dash x तो क्या होता है बेटा, यार इसका आंसर तो x fx होता है, इसका आंसर x fx होता है, मतलब x into e raised to the power x plus 1 by x, इसका आंसर होता है x fx। fx plus x f dash x बेटा इंटीग्रेट होने के बाद, जब आप बाय पार्ट से इसका मैंने आपको प्रूफ कराया था, पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसका फाइनल आंसर विल बी x into e raised to the power x plus 1 by x x fx, और लिमिट्स कहां से कहां दी हुई है, हाफ से लेकर 2 तक पुट करो, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ e raised to the power 2 plus 1 by 2, तो 2 plus 1 by 2 will be 5 by 2, और minus half of e raised to the power, half plus 2 again e raised to the power 5 by 2, ये चीज आ जाएगी। यार ये e की पावर 5 by 2 तो बेटा बाहर निकल आया, common, e की पावर 5 by 2 बाहर आ गया, और अंदर है 2 minus half, मतलब 2 into 2, 4 minus 1, this is 3 by 2, this is 3 by 2, तो अपने पास क्या चीज आ गई, अपने पास आ गया बेटा 3 by 2 into e raised to the power 5 by 2, ठीक है क्या, देख लो, अपने पास आंसर बेटा आ जाएगा 3 by 2 into e raised to the power 5 by 2, it is a very good question, it is a very good question बेटा, आप स्टार लगा के रखिए, मैं अदर बोलूंगा एक स्टार में और लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, it is a very good question, it is a wonderful question, हमको अप्रोच, मल्टीपल अप्रोचेस पता होनी चाहिए, ताकि अगर कभी कोई एक अप्रोच अटके तो बेटा मुझे अल्टरनेटिव पता होना चाहिए, ये एक जनरल अप्रोच होता है लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा तो फिर मैंने कुछ अल्टरनेट सोचा, और अल्टरनेट सोचते देखो खटाक से आंसर आ गए, तो हमेशा बेटा मल्टीपल चीजें अपने को आइडिया रखनी है। नेक्स्ट अपने पास बच्चों जो क्वेश्चन लिखा है दैट इज इंटीग्रल पाई बाय 4 से पाई बाय 2, इंटीग्रल पाई बाय 4 से पाई बाय 2, और अंदर बेटा अपने पास फंक्शन लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स बाय साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स बाय साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है डीएक्स, ये बेटा अपने पास सवाल है। मुझे ऐसा बेटा देख के लग रहा है कि यार ऐसा सवाल ना मैंने आपको इनडेफिनेट में कराया है, ठीक है, ऐसा वाला सवाल बेटा मैंने आपको इनडेफिनेट में कराया है, और मैंने आपको बोला था कि देखो जरूरी नहीं है कि साइन कॉस देखते ही आप हमेशा सोचे कि साइन एक्स को आप टी डालो और कॉस एक्स को डी टी डालो, ऐसा नहीं होता। आप बेटा यहां पर अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, एलसीएम लोगे, तो आपके पास देखो क्या आएगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, जैसे आप एलसीएम लेंगे रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे साइन एक्स, रूट एक्स और रूट एक्स मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे एक्स, और उसके साथ आगे कॉस एक्स भी लिखा है, और नीचे बेटा मेरे पास लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स साइन एक्स, अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स साइन एक्स, और इस पूरे के साथ बेटा लिखा है डीएक्स, ठीक है क्या, रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स विल बी साइन एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स विल बी एक्स, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स साइन एक्स, और इस पूरी चीज के साथ बेटा लगा हुआ है डीएक्स। अब देखो आप बेटा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, अब आपको इतना देख के ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि अगर आप x sin x को t स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, या रूट ऑफ x sin x को अगर आप t बोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा x sin x विल बी इक्वल टू t स्क्वायर, और जैसे बेटा x sin x की वैल्यू मेरे पास t स्क्वायर आएगी तुरंत मेरे पास इसका डेरिवेटिव बोलो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विल बी x कांस्टेंट sin x का cos x प्लस sin x कांस्टेंट x का 1 into dx, ठीक है, दिस विल बी 2t dt, दिस विल बी 2t dt, ये चीज आएगी बेटा अपने पास, ठीक है, दिस विल बी 2t dt, तो यार ये x cos x + sin x dx लिखा यही यही तो है, x cos x + sin x into dx, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 2t dt, तो सवाल अपने पास आ गया इंटीग्रल ऑफ 2t dt, और नीचे ये जो बेटा अंडर रूट ऑफ x sin x था ये तो था t। अब बेटा लिमिट्स बदलनी जरूरी है, ठीक है ना, इसमें हमको लिमिट्स बदलनी बहुत जरूरी है। आप जैसे ही x की जगह पाई बाय 4 रखोगे, x की जगह पाई बाय 4 रखते ही देखो आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 4 रखते ही sin पाई बाय 4 कितना होता है, sin पाई बाय 4 sin 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 होता है, ठीक है ना, देखो आप x की जगह sin पाई बाय 4 रखोगे तो sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, और x की जगह पाई बाय 4 तो दिस विल बी पाई बाय 4 रूट 2, ठीक है, पाई बाय 4 रूट 2 और उस पूरे का रूट,
तो आप यहां पर लिख लो अंडर रूट ऑफ पाई बाय 4 रूट 2, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 4 रूट 2 ये आ जाएगा आपके पास। और बेटा जैसे आप यहां पर पाई बाय 2 रखोगे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2, आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2, ये चीज अपने पास आएगी। ठीक है क्या? टी से बेटा जैसे आप टी कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास यहां पर 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रल ऑफ dt तो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dt होता है d, और लिमिट हमारे पास है अंडर रूट ऑफ पाई बाय 4 रूट 2 से लेकर अंडर रूट ऑफ पाई बाय 4 रूट 2 से लेकर अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 तक, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 तक, ये बेटा अपने पास आंसर आ रहा है। तो फाइनल आंसर विल बी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाय 4 रूट। ठीक है क्या? और बेटा जैसे आप 2 को अंदर लेके जाओगे तो 2 और नीचे से ये रूट 2 ये कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास आ जाएगा रूट 2 पाई, और उसके बाद ये 2 यहां आएगा तो ये 4 रूट से बाहर निकलेगा, तो आपके पास बेटा ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाय रूट। देख लो ये आंसर आना चाहिए बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 पाई बिल्कुल सही, अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाय रूट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाय रूट 2 बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन का बेटा खास तौर पर अपने को ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक हो सकते हैं, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट अपने पास बच्चों क्वेश्चन दिया है, अज्यूम दैट एफ डबल डैश इज अ कंटिन्यूअस एंड एफ डबल डैश इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन अज्यूम दैट एफ डबल डैश इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ डबल डैश इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन and f1 is equal to 3, f1 is equal to 3, f-1 is equal to 2, and integral 0 to 1 fx dx is equal to 5, and integral 0 to 1 fx dx is equal to 5, ये बच्चों अपने पास चीज दी हुई है। ठीक है, अब इसमें हमको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 x square f double dash x dx। ठीक है, ये अपने पास बड़ा सवाल है, क्लासिक बेटा क्वेश्चन है किसका, बायपार्ट्स का, आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखते ही आपको फीलिंग आती है कि यार ये तो बायपार्ट्स का सवाल है। अगर मैं आई मान लू इस पूरी चीज को इंटीग्रल 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, अगर मैं इस पूरी चीज को आई मान लू तो आपको बेटा क्लियरली दिखाई देता है दैट दिस शुड बी योर फंक्शन फर्स्ट एंड दिस शुड बी योर फंक्शन सेकंड। ये बात सबको समझ में आती है, क्योंकि फंक्शन 2 वो होता है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं और फंक्शन 1 वो होता है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर बेटा मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास आएगा आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देखो एफ डबल डैश एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विल बी एफ डैश एक्स डीएक्स। ये अपने पास आया। अब बेटा देखो मैंने आपको ये चीज समझाई है कि अगर आप चाहें बेटा तो यहां पर आप लिमिट्स डाल सकते हैं और इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, या आप पूरे में भी लिमिट्स आखिरी में डालें तब भी चलता है, ये ना बात एक ही। तो अपन ऐसा करते हैं, यहां पर अपन लिमिट्स डाल लेते हैं, लिमिट्स अपने पास है 0 से लेकर 1 तक, और यहां पर भी देखो पूरे इंटीग्रल में लिमिट लगती है, अंदर वाले छोटे इंटीग्रल में लिमिट नहीं लगती, तो ये पूरे इंटीग्रल में अभी भी 0 से 1 में लिमिट लग रही है, अंदर वाले में कोई लिमिट नहीं लगती, आपको ये चीज पता ही है। अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो तुम तो नॉर्मली बस इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना और आखिरी एक बार में 0 से 1 में लिमिट्स लगा लेना तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहां से बेटा आपके पास आई की वैल्यू देखो क्या आ गई, 1 जैसी रखोगे तो 1 इंटू एफ डैश 1 और माइनस 0 माइनस, अब ये इंटीग्रल ऑफ ये जो बेटा पूरी चीज है इसमें से भी आप 2 बाहर निकाल लो सबसे पहले। ठीक है ना, आपने 2 बाहर निकाल लिया, अब आपके पास आ गया देखो ये आ गया फंक्शन फर्स्ट, ये आ गया फंक्शन सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विल बी एफ एक्स, ये आ गया अपने पास। ठीक है क्या? और आपको पता है बेटा कंप्लीट इंटीग्रल में क्या होती है, लिमिट्स लगती है। यहां पर तो आप अगर चाहेंगे तो आप छोटे वाले में
फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन में आप यहाँ 0 से 1 लिमिट्स लगा सकते हैं, लेकिन ये जो छोटा वाला इंटीग्रल होता है अंदर वाला जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है उसमें लिमिट्स नहीं लगती। तो माइनस कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये जो कंप्लीट इंटीग्रल है इसमें 0 से 1 में लिमिट्स आएगी। तो यार यहां से मेरे पास क्या आ गया, i की वैल्यू देखो 1 इनटू f'1 दिया है क्या, f'1 की वैल्यू 2 थी तो ये आ गया 2 माइनस 2 इनटू अंदर देखो क्या लिखा है 1 इनटू f1 1 रखोगे तो 1 इनटू f1 f1 कितना है 3 तो 1 इनटू 3 इज 3 फिर माइनस 0 इनटू ये तो यहां तो 0 आ जाएगा और फिर माइनस ये इंटीग्रल 0 से 1 fxdx यार ये तो दिया हुआ है इंटीग्रल 0 से 1 fxdx इंटीग्रल 0 से 1 fxdx कितना है 5 है तो ये आपको 5 दिया हुआ है ठीक है। तो यहां से बेटा अपने पास देखो i की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 2 इनटू ये लिखा हुआ है 3 माइनस 5 3 माइनस 5 इज माइनस 2 3 माइनस 5 इज माइनस 2 तो i की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बेटा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 2 इनटू 2 4 और प्लस 2 6 6 आएगा बेटा इसका आंसर चेक कर लीजिए आप ठीक है। तो घबराना नहीं है, कैसा भी सवाल है बिल्कुल भी अपने को घबराना नहीं है। नेक्स्ट बेटा अपने पास जो सवाल दिया है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल 3 टू 5 इंटीग्रल 3 टू 5 एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन इंटीग्रल 3 टू 5 एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ठीक है ना। थोड़ी सी बेटा उससे मिलती जुलती प्रोफाइल है जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था, थोड़ी सी उससे मिलती जुलती प्रोफाइल है लेकिन इसका आप डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते। इमेजिन करो अगर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना होता, अगर बेटा ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना होता तो आप एक बार के लिए इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे कि सर इसका आंसर पाई आता कि 3 से 5 है तो x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x का आंसर पाई आता, लेकिन आपको एक एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते लेकिन बेटा अप्रोच तो वही रहेगा। अप्रोच क्या है, अप्रोच मेरे लिए बहुत सिंपल सा है कि मुझे x को रखना होगा 3 cos स्क्वायर थीटा दैट इज अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा मतलब प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा ठीक है क्या। अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा एकदम क्लियर अप्रोच। तो अगर बेटा ये मेरे पास अप्रोच है तो यहां से देखो x आपको क्या आता हुआ दिख रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा और इसमें से 3 sin स्क्वायर थीटा वो तो 3 बन जाएगा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा और इसमें से 3 sin स्क्वायर थीटा इसको दे दूं तो 3 बन जाएगा और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा बचेगा। क्या बचेगा, एक्स्ट्रा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बेटा मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा। तो अगर बच्चों ये चीज मेरे पास बच रही है तो देखो dx क्या होगा, dx तो dx विल बी 3 का डिफरेंशिएशन तो गायब, 2 में यहां 2 आ गया फिर sin स्क्वायर थीटा का 2 sin थीटा और sin थीटा का cos थीटा d थीटा। तो सवाल अपने पास लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इनटू dx dx इज 4 sin theta cos theta dx is 4 sin theta cos theta d theta divided by नीचे क्या लिखा हुआ है root over x minus 3 x minus 3 क्या होगा बेटा x minus 3 will be 2 sin square theta x minus 3 will be 2 sin square theta यह आ जाएगा अपने पास x minus 3 और उसके बाद लिखा हुआ है 5 minus x तो 5 minus x क्या होगा बेटा आप अगर यहां पर देखोगे तो 5 माइनस 3 तो 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो यार ये तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। देख लो बेटा जैसे 5 माइनस x करोगे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां से आप देख लो 5 माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आप लिखोगे और यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3 होता है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो दिस विल बी 2 कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा तो ये आ जाएगा आपके पास। यहां से इसको मिटा देते हैं ठीक है ना। कैलकुलेशन बेटा थोड़ा बहुत माइंड में भी करो, हर चीज अगर आप लिखोगे ना तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो यार यहां से बेटा अपने पास देखो क्या चीज आ रही है, अगर मैं इसको ओपन अप कर दूं तो मेरे पास ये इसका पहले वाले का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया पहले वाले ब्रैकेट का ओपनिंग। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 4 sin थीटा cos थीटा d थीटा और डिवाइड में बेटा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में मेरे पास लिखा हुआ है रूट के अंदर देखो 2 दो बार है तो एक बार 2 बाहर आएगा, sin स्क्वायर थीटा दो बार है तो एक बार sin थीटा बाहर आएगा, cos स्क्वायर थीटा दो बार है तो एक बार cos थीटा बाहर आएगा। ये आ गया सॉल्व होके और लिमिट्स बेटा अभी लगानी बची है तो लिमिट्स देखो कैसे लगाएंगे। x की जगह आपने क्या रखना है, x की जगह आपने 3 रखना है। जैसे आप यहां 3 रखोगे 3 से 3 कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 मतलब थीटा की वैल्यू आएगी 0
और उसके बाद बेटा जैसे आप 5 रखोगे तो 5 रखते ही 5 माइनस 3 2, 2 बाय 2 कटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 मतलब यह आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है ना। देख लो लिमिट्स आप बेटा बदल के लगा लेंगे 0 से पाई बाय 2, क्योंकि हमने ये कसम खाई हुई है पहले ही लेक्चर से कि कभी भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स बदलेंगे। तो अगर बेटा x के मेरे पास ये वैल्यू था तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू जैसे मैं 3 रखूंगा तो 3 से 3 कटेगा तो sin स्क्वायर थीटा 0 आएगा, और जैसे बेटा मैं यहां 5 रखूंगा तो 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कटा 1, sin स्क्वायर थीटा 1 होता है व्हेन थीटा इज पाई बाय 2, एकदम क्लियर। तो यार यहां से तो क्या फायदा हुआ, sin थीटा cos थीटा कट गया, 2 से ये 4 कटा तो यहां पे 2 आ गया, तो मेरे पास फाइनली बेटा देखो 2 बाहर है और उसके बाद लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ ये पूरी चीज, 2 मैंने बाहर निकाली और इंटीग्रल ऑफ ये पूरी चीज में आप देख लो इंटीग्रल ऑफ 9, तो क्या आ जाएगा 9 थीटा फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रल ऑफ 9 विल बी 9 थीटा फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, उसके बाद प्लस 4 इनटू क्या लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाय 2 sin की पावर 4 थीटा d थीटा, और प्लस 12 इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर थीटा d थीटा। यार ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये वाली चीज मैंने आपको बेटा लास्ट लेक्चर में पढ़ाई है। क्या होता था, sin की पावर 4 थीटा होता था बेटा 3 पाई बाय 16 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में, sin स्क्वायर थीटा होता था कितना, sin स्क्वायर थीटा हमारे पास आता था पाई बाय 4, पाई बाय 4 कौन से इंटरवल में 0 से पाई बाय 2 वाले इंटरवल में, तो ये अपने पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, देखो जैसे आप यहां पर थीटा की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो 9 पाई बाय 2 माइनस 0 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 4 इंटू साइन की पावर 4 थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 में आता था 3 पाई बाय 16, तो दिस विल बी 3 पाई बाय 16, और प्लस 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 में कितना आता था बेटा पाई बाय 4, ये अपने पास चीज आती थी। तो यार इसको आप सॉल्व करेंगे 4 और ये कटेगा 3, 4 और ये कटेगा 4, ठीक है, तो अपने पास देखो फाइनली क्या चीज आ रही है, और 2 का भी एक फैक्टर है, चलो एक बार ऐसा करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं इसको 9 पाई बाय 2 को आप लिख लो 18 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, तो दिस इज 21 पाई बाय 4 और प्लस 3 पाई, ठीक है क्या। तो यार यहां से अपने पास कितना आ जा रहा है 21 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई मतलब 4 इंटू 3 12 पाई और 21 पाई, 12 पाई और 21 पाई होता है 33 पाई, ठीक है 12 और 21 होता है 33 पाई बाय 4 और एक 2 है तो 33 पाई बाय 2, ये आना चाहिए यार आंसर, देख लो थोड़ा सा लेंदी है बेटा लेकिन यही सही, ठीक है ना, 33 पाई बाय 2 विल बी योर राइट आंसर, यही बेटा चीज अपने को चेक करनी थी, ये सब आपको याद रखना है, ये वाली प्रोफाइल आपको याद रखनी है बेटा, ये मैंने आपको कल लिखाया था कि आपको याद होना चाहिए, याद करो 0 से पाई बाय 2 में साइन थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रल 1 होता था, 0 से पाई बाय 2 में बेटा साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल पाई बाय 4 होता था, फिर साइन क्यूब थीटा या कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रल 2 बाय 3 होता था, और साइन की पावर 4 थीटा या कॉस की पावर 4 थीटा का इंटीग्रल होता था बेटा अपने पास 3 पाई बाय 16, ठीक है, याद होना चाहिए अपने को, इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल बेटा अपन और बनाते हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ इंटीग्रल 0 से 1, इंटीग्रल 0 से 1 e माइनस 1, इंटीग्रल 0 से 1 e माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ ln 1 प्लस e माइनस 1 इंटू x, ठीक है ना, e माइनस 1 इंटू रूट ओवर ln 1 प्लस e माइनस 1 इंटू x, ठीक है, और इसमें बेटा प्लस हो रहा है अपने पास e रेज टू द पावर x स्क्वायर, प्लस हो रहा है e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx, ये अपने पास बच्चों सवाल दिया है, ठीक है क्या, ये अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहां पर ये एक ब्रैकेट क्लोज है ln 1 प्लस e माइनस 1 इंटू x और प्लस लिखा हुआ बेटा आपके पास e रेज टू द पावर x स्क्वायर, आपको बेटा इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, देखते हैं, चलिए बेटा अगर अपन थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचें, यार मैं आपको इसमें ये बोलता हूं कि इसको अगर बेटा मैं ब्रेक कर करके लिखूं, अच्छा सवाल है स्टार लगा लेंगे, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं कि इसको लिखो 0 से 1 और पहला टर्म आप लिख लो e माइनस 1 इंटू रूट ओवर ln 1 प्लस e माइनस 1 इंटू x, ठीक है dx, ये आ गया आपके पास पहला टर्म ln 1 प्लस e माइनस 1 इंटू x dx, ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म बेटा आपके पास लिखा हुआ इंटीग्रल 0 से 1 e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx, इसको अपन ने ब्रेक करके लिखा, यार यहां से मुझको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पहले वाले में आपको बोल दूं कि 1 प्लस e माइनस 1 इंटू x
वो अपन अगर 1 plus e minus 1 into x, इस पूरी चीज को बेटा अगर अपन मान ले, let us say t, इस पूरी चीज को अगर मैं मान लेता हूं t, 1 plus e minus 1 into x को, ये जो log के आगे पूरी चीज लिखी है, 1 plus e minus 1 into x, अगर इसको मैं t मान लूं, तो इसको differentiate करूंगा, तो देखो क्या आ जाएगा, e minus 1 constant आएगा, और x का differentiation आ जाएगा dx, this will be equal to dt, यही आएगा क्या, ये चीज आनी चाहिए अपने पास, e minus 1 into dx will be equal to dt, 1 का differentiation तो गायब हो जाएगा। तो यार ये देखो आप ध्यान से कि ये जो e minus 1 into dx है, ये e minus 1 into dx है यार, ये तो dt में निकल गया, मतलब ये मेरे पास लिखा गया integral of 0 to 1, integral of 0 to 1 root of ये क्या ले आ गया बेटा अपने पास ln t, देख लो आप ln, और इस पूरी चीज को अपन ने t माना, ln t dt plus integral of 0 to 1 e raised to the power x square dx। यार इसमें कुछ खास बात लग रही है मुझे, देखो यहां से बेटा मेरे को ऐसा थॉट प्रोसेस आ रहा है मेरे मन में कि यार जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा था, पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन लिखा हो और बगल में उसका इनवर्स भी लिखा हो, क्यों मुझे फीलिंग आ रही है फंक्शन और उसके इनवर्स की, तो बेटा वो फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको एफ मानेंगे, अगर आप इसको बेटा फंक्शन एफ मानेंगे और अगर गलती से ये एफ इनवर्स आ गया, तो याद करो वो बीडी माइनस एसी वाला जो रिजल्ट था बेटा, वो हो सकता है लग जाए। तो अपन यहां से बेटा अगर अपन वही चीज समझने की कोशिश करें, तो अपने पास अगर मैं आपको बोलूं कि y को आप मान लो अंडर रूट ऑफ एल एन टी, y को आप अंडर रूट ऑफ एल एन टी मान लो, तो y स्क्वायर आ जाएगा एल एन टी और t आपके पास आ जाएगा e रेस टू द पावर y स्क्वायर। ये तो आ गया यार, ये e रेस टू द पावर y स्क्वायर है, यहाँ पे e रेस टू द पावर x स्क्वायर लिखा है, बात तो वही है, इनवर्स आ गया, मतलब कि अगर ये f है तो ये f इनवर्स है, वही वाले रिजल्ट की बात हो रही है कि अगर एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन f इनवर्स है। अब देखो क्या fa का वैल्यू c के बराबर आ रहा है क्या, क्या fb का वैल्यू d के बराबर आ रहा है क्या? तो देखो आप जैसे बेटा यहां पर बेटा जैसे आप जीरो रखोगे यहां पर, ऐसा एक चीज, अभी देखो एक गलती हो गई अपने से, एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई, गलती हो गई क्योंकि देखो मेरे से गलती कैसे पकड़ में आई, क्योंकि t रखते ही ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया लेकिन लिमिट्स नहीं बदली, गलती हो गई ना, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया लेकिन लिमिट्स नहीं बदली। तो देखो यहां पर आप जैसी x की जगह बच्चों जीरो रखोगे, x की जगह जीरो रखते ही t की जगह आपके पास आएगा 1, और x की जगह जैसे बच्चों आप 1 रखोगे तो e माइनस 1 प्लस 1, तो यहां पे आपके पास आएगा e, ठीक है, लिमिट्स चेंज होंगी। तो अब आप बेटा ये चीज देखिए, f ऑफ a की वैल्यू c के बराबर आ रही है क्या? तो जैसे आप t की जगह यहां पर 1 रखोगे तो ln 1 तो 0 होता है, देख लो आ रहा है 0, f ऑफ a का वैल्यू c के बराबर आ रहा है, f ऑफ a का वैल्यू c के बराबर आ रहा है, और e रखते ही ln e 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है, देख लो 1 आ रहा है, तो f ऑफ b की वैल्यू बेटा d के बराबर आ रही है, f ऑफ b की वैल्यू d के बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या है, fa का वैल्यू c आ गया, fb का वैल्यू d आ गया, ये फंक्शन f है, ये फंक्शन f इनवर्स है, तो आंसर विल बी bd माइनस ac, मतलब क्या बोल सकते हैं, e into 1 माइनस 0 into 1, यार इसका आंसर तो e आएगा, देख लो एकदम बढ़िया से बेटा इसका आंसर अपने को e आता हुआ दिख रहा है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों से बेटा, एक साथ जनरली ये सवाल बनता नहीं है, ये वाली प्रोफाइल भी याद नहीं रहती, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट बेटा रिमेम्बरिंग द प्रोफाइल्स, आपको चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कब कहां पर क्या चीज यूज आ जाए यू नेवर नो। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी तो देखो मैंने आपको बताई भी थी लास्ट लेक्चर में, आज फिर बता देते हैं प्रॉपर्टीज, कुछ काम काम की प्रॉपर्टीज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने को पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी वन, मैंने ऑलरेडी बेटा आपको बताया हुआ है कि आपके पास इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, या आपके पास इंटीग्रल ए से बी एफ टी डी टी लिखा हो, बात एक ही। प्रॉपर्टी वन क्या है कि इनका मतलब सेम है बेटा, वेरिएबल बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि सेम इंटीग्रेशन में वेरिएबल बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी वन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वैसी बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी मैंने आपको कल बताया था एक सवाल में, कि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है, इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल, जैसे आप माइनस लगाते हैं लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती है, तो दिस विल बी बी टू ए
fxdx, जो हमारे पास लिखा हुआ था a टू b fxdx का इंटीग्रल दैट विल बी b टू a fxdx, ठीक है। माइनस लगाते ही लिमिट्स का साइन चेंज हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका मतलब होता है कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, इनडेफिनेट की बात कर रहा हूं, तो इसका आंसर सॉल्व होकर क्या आता है एफ बी माइनस एफ ए, और इसका आंसर सॉल्व होकर आता है माइनस एफ ए माइनस एफ बी, माइनस एफ ए माइनस एफ बी, ठीक है। इसका आंसर आपके पास याद आता है माइनस एंड ऑफ एफ ए माइनस एफ बी, तो बात वही, ठीक है ना, बात सेम है बेटा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हालांकि बेसिक बेटा आपको इसका आइडिया ऑलरेडी होगा कि हमें अगर बेटा इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करना है, हमें अगर बच्चों इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करना है, तो दिस विल बी सिमिलर टू इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है क्या। इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी, मतलब कि आप ए से सी में चले जाइए इंटीग्रेट करते हुए, फिर सी से बी में चले जाइए। ये चीज हम जनरली बेटा कब करते हैं, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी डिस्कंटिन्यूटी में, कि मैंने यहां पर सी माइनस रखा था, यहां पर सी प्लस रखा था, और मैंने बोला था कि अगर गलती से पॉइंट सी कोई एक बीच में आ रहा होगा ए और बी के, जहां पर आपका फंक्शन डिस्कंटिन्यूस हो रहा है, तो वहां पर आप इस तरीके का प्रोसेस कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये वाली चीज आप कब करेंगे, प्रोवाइडेड एफ हैज अ पीस वाइज कंटिन्यूटी, पीस वाइज कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा, पीस वाइज कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि टुकड़ों में कंटिन्यूस है, हर जगह कंटिन्यूस नहीं है लेकिन टुकड़ों में कंटिन्यूस है, पीस वाइज कंटिन्यूटी, और वेन एफ इज Not uniformly defined, or when f is not uniformly defined, जहां पर ये piece wise continuity आए, या अगर कभी पर बेटा आपके पास uniformly आपको अगर defined ना हो function in a to b, a से b में, a से लेकर बच्चों b तक अगर आपका function uniformly defined नहीं है, एक जैसे एक अच्छे तरीके से अगर defined नहीं है a से b में, तब आप ये चीज बोल सकते हैं कि आप ये वाला process कर पाएंगे। अभी मैं आपको बेटा इस पर बेस सवाल कराऊंगा, मजा आएगा आपको, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा बेटा इसके सवाल करने में। क्वेश्चन बेटा अपने पास इसमें लिखा हुआ है, पहला सवाल है इंटीग्रल ऑफ 0 से 3 बाय 2 x टाइम्स ब्रैकेटेड x स्क्वायर dx, ठीक है। अब अप्रोच समझना बेटा, ब्रैकेटेड फंक्शन है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं where this function is your greatest integer function, ब्रैकेटेड x square। तो अगर बच्चों ये मेरे पास सवाल लिखा हुआ x times ब्रैकेटेड x square, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यार ये है कि अप्रोच आपको बेटा पहले समझना है, अप्रोच जब भी आपके पास इस तरीके का सवाल आए, ऑलवेज ट्राई to make a simpler linear function inside greatest integer function। आपको बेटा हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि आप greatest integer function के अंदर एक सिंपल सा छोटा सा linear function बनाए, तो आपको evaluate करते आसानी से बनेगा। अभी आपके पास बेटा आप देख रहे हो कि ब्रैकेटेड के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेटेड के अंदर बच्चों अगर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर को देखकर जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कैसे तोड़ूं उसको, क्योंकि ये बात तो आप 100% जानते हैं कि ब्रैकेटेड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है ना, ये बात तो हमको बेटा पता है कि ब्रैकेटेड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, और ये डिसकंटिन्यूस कहां पर होता है, दिस इज डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स, ये बात तो आपको पता है। तो अगर डिस्कंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब बेटा प्रॉपर्टी 3 लगेगी, अगर डिस्कंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल हम करेंगे। तो बेटा जो पहला सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो पहला बेटा सब्स्टिट्यूशन है, पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है, लॉजिक क्या है मेरा, मेरा लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि मैं इसके अंदर एक सिंपलर फंक्शन बनाने का प्रयास करूंगा, और सिंपलर फंक्शन में बोलूंगा लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी,
बेटा मैं सिंपलर आपको फंक्शन बोलूंगा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू को टी बोलेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2x dx will be equal to dt। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 2x dx will be equal to dt। अब देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ x dx, x dx ये जो बाहर लिखा हुआ बेटा x और ये जो लिखा हुआ है dx, तो x dx तो क्या हो गया, x dx हो गया हाफ dt। तो हाफ निकालो बाहर, यहां लिखो आप dt, हाफ निकालो बाहर और बेटा अंदर आप लिखो dt, और ब्रैकेटेड ऑफ x square, तो ब्रैकेटेड ऑफ x square मतलब x square को अगर मैंने t बोला है तो this will be ब्रैकेटेड ऑफ t। ये देखो ये चीज देखना थोड़ा सा आसान लगता है, ब्रैकेटेड फंक्शन सिंपल सा देखना थोड़ा सा आसान लगता है, x square में देखना थोड़ा सा बेकार लगता, अच्छा नहीं लगता। अब लिमिट्स बदलनी पड़ेंगी, तो लिमिट्स कैसे बदलेंगे, देखिए यहां पर बेटा जीरो है, जैसे आप x की जगह जीरो रखोगे t की वैल्यू आपके पास जीरो आ जाएगी, और उसके बाद बेटा 3 बाय 2 है, तो 3 बाय 2 आप जैसे यहां पर रखोगे तो 3 बाय 2 का स्क्वायर विल बी 9 बाय 4। लिमिट्स बेटा मैं बदल चुका हूं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया ब्रैकेटेड फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करूं तो हाफ टाइम्स ब्रैकेटेड ऑफ 0 से 1, और 0 से 1 में चलो एक बार तो पहले अच्छे से मैं लिख देता हूं पूरा ब्रैकेटेड टी, फिर 1 से 2 ब्रैकेटेड टी, फिर 2 से 3 अगेन ब्रैकेटेड टी, और लास्ट में बेटा मेरे पास आ गया 2 से 3 के बाद 3 से लेकर ये जो 9 बाय 4 है, 9 बाय 4 तो यार 3 तक जाएगा ही नहीं, 9 बाय 4 तो 3 तक जाएगा ही नहीं, ये 2 से लेकर 9 बाय 4 तक जाएगा, 9 बाय 4 थोड़ा ना जाएगा 3 तक, 9 बाय 4 तो 2 पॉइंट कितना होता है, 2.5 होता है मेरे ख्याल से, तो 2 से लेकर 9 बाय 4 तक। अब आपको बेटा एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रल, देखो 0 से 1 में अगर आप मूव करोगे तो 0 से 1 का ब्रैकेटेड तो क्या होता है, 0 से 1 का ब्रैकेटेड तो 0 होता है, तो यार ये तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहां पर देखो 1 से 2, 1 से 2 का ब्रैकेटेड क्या होता है बेटा, 1 से 2 का ब्रैकेटेड होता है 1, तो दिस विल बी 1 इनटू डीटी, फिर प्लस 2 से लेकर 9/4, तो यार 2 से लेकर 9/4 तक का ब्रैकेटेड क्या होगा, 2 होगा, तो दिस विल बी 2 डीटी, ठीक है क्या, ये चीज आ जाएगी अपने पास। तो यहां से मेरे पास आ गया हाफ इनटू जीरो, तो ठीक है हटा देते हैं, वन बाहर रखो, वन भी हटा दो, इंटीग्रल ऑफ डीटी क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ डीटी होता है टी फ्रॉम 1 टू 2, प्लस 2 आप बाहर रख लो, इंटीग्रल ऑफ डीटी होता है टी फ्रॉम 2 टू 9/4, ये आ जाएगा अपने पास। यार यहां से मेरे पास क्या आ गया, हाफ इनटू 2 माइनस 1 प्लस 2 इनटू 9/4 टी की जगह 9/4 माइनस 4, ये आ गया बेटा अपने पास। तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो दिस इज हाफ इनटू 1 प्लस 9/4 माइनस 2, तो 9/4 माइनस 8/4, दिस इज 1/4 और इनटू 2, तो दिस इज 1/2, तो अपने पास क्या आ गया बेटा 1 प्लस 1/2 इज 3/2 इनटू हाफ, मतलब कि ये अपने पास आ गया 3/4, चेक कर लो बच्चों 3/4 आ रहा है अपने पास, ठीक है 3/4 अपना आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो अप्रोच बेटा एकदम सिंपल सा अप्रोच है, ब्रेक करेंगे आगे बढ़ेंगे, ब्रेक करेंगे आगे बढ़ेंगे, जितने हिस्से में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उतने हिस्से के आपको इसके बेटा ब्रेक करना है और सॉल्व करना है, बहुत सारे अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा और गारंटी है कि आपको मजा आएगा, प्रॉपर्टी 3 एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बेटा आज आपके माइंड में। नेक्स्ट अपने पास बच्चों जो क्वेश्चन लिखा है दैट इज इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक, नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 dx, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ठीक है इसको बेटा अपने को सॉल्व करना है। अब यार ये तो बहुत ऐसे आसान लग रहा होगा आपको देख के कि यार ये तो क्या ही है, ये तो क्या ही है, देखो आप ध्यान से 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यार ये तो कॉस स्क्वायर एक्स का रूट, मतलब ये क्या लिखा हुआ है 0 से पाई में, गलती नहीं करनी है, दिस इज मॉड कॉस एक्स डीएक्स, सिर्फ कॉस एक्स नहीं लिखा है भाई साहब, मॉड कॉस एक्स डीएक्स लिखा है, 0 से पाई में रूट से आपने कॉस स्क्वायर निकाला, रूट के अंदर से आपने कॉस स्क्वायर निकाला, तो दिस इज मॉड कॉस एक्स डीएक्स, और जैसे ही बेटा आपके पास मॉड कॉस एक्स डीएक्स आया तो यार आपको एक बात तो पता है कि पहले इंटरवल में कॉस पॉजिटिव होता है, तो आपके पास 0 से पाई बाय 2 में जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास आएगा cos x dx और प्लस इंटीग्रल पाई बाय 2 से बेटा आप इसको पाई में जब ब्रेक करोगे, पाई बाय 2 से बेटा जब आप इसको पाई में ब्रेक करोगे तो cos x क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी माइनस cos x dx,
जैसे भी माइनस कॉस एक्स डीएक्स ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मुझे बेटा इसका आंसर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर आपके पास ना 2 आएगा, मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपके लिए आराम से इसको करते हैं। तो देखो कॉस एक्स का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 में, ये तो मैंने आपको कल सिखाया था, क्या सिखाया था, इंटीग्रल और 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है 1, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 में कितना आता है 1, और यहां पर है पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से बेटा अगर पाई लिखा हुआ है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा साइन एक्स, और कहां से कहां तक, ये आपके पास आएगा बेटा पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई, तो यहां पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स की जगह साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 2, ऐसे ही आएगा साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 2, यार साइन पाई तो 0 होता है, हटा दो यहां से, और माइनस ऑफ माइनस प्लस, और 1 प्लस 1 2, आ गया क्या आंसर, देख लो एकदम आसान है बेटा, एकदम आसान, ठीक है, एकदम क्लियर अपने को अप्रोच रखना है आपको बेटा। देखो जो मैं चीज कि मुझे आंसर डायरेक्टली क्यों दिखा, मुझे आंसर डायरेक्टली क्यों दिखा मैं आपको बता देता हूं। आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, मॉड कॉस एक्स लिखा है क्या, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स का सोचो कि ग्राफ कैसा होगा बेटा, ये आपके पास इस तरीके का ग्राफ होता है, कहां से 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, और क्योंकि मॉड लगा है तो इसके नीचे ग्राफ ना होके दोबारा ऐसे घूमेगा, दोबारा ऐसे घूमेगा पाई तक, ये बात आती है अपने को समझ में, 0 से पाई बाय 2 में डिक्रीज हुआ, पाई बाय 2 से पाई में और फर्दर डिक्रीज होना चाहिए था आइडियली, पाई बाय 2 से पाई में ऐसे डिक्रीज होता फिर ऐसे इंक्रीज होता, लेकिन क्योंकि मॉड लग गया तो ये ऊपर आ गया। तो बेटा आपको एक चीज जो मैंने बताई है ना कि मॉड ऑफ कॉस एक्स, देखो मैंने आपको जब बताया था कि मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखो या सिर्फ कॉस एक्स, मैं आपको ऐसा बोलता हूं, देखो कॉस एक्स जो होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 में क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 में, तो 0 से पाई बाय 2 में बच्चों कॉस एक्स का इंटीग्रल आपके पास आता है 1, ये चीज तो आपको पता है कि 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स का इंटीग्रल हमारे पास 1 आता है, मतलब कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया बेसिकली बेटा कितना आता है अपने पास सॉल्व होके 1, ये वाला एरिया, तो क्योंकि बेटा ये फिगर आपका सिमेट्रिक होता है इसलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि ये वाला भी एरिया 1 ही आएगा, इसलिए मैंने आंसर आपको डायरेक्टली बोल दिया था यहां से कि ये जो 0 से पाई लिखा है मतलब ये 0 से पाई बाय 2 और फिर पाई बाय 2 से पाई, आंसर 2 ही आएगा, मेरे को पता था, मैंने इसलिए आपको डायरेक्टली बोल दिया था कि यहां अगर 1 आ रहा है तो यहां भी 1 ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी पाई बाय 2 का इंटरवल है, ये भी पाई बाय 2 का इंटरवल है, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बेटा एरिया अंडर द कर्व जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगला बेटा अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रल माइनस ई से लेकर माइनस 1 बाय ई तक, माइनस ई से लेकर माइनस 1 बाय ई तक, सवाल है मॉड ऑफ ln मॉड एक्स डीएक्स, मॉड ऑफ ln मॉड एक्स डीएक्स, ठीक है, ये अपने पास बच्चों सवाल दिया हुआ है। अगेन जो मैं आपको अप्रोच सिखाना चाहता हूं, अप्रोच बेटा मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि ऑलवेज ट्राई टू कीप पॉजिटिव लिमिट्स, ऑलवेज ट्राई टू कीप पॉजिटिव लिमिट्स, ये बेटा अप्रोच है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम लिमिट्स को पॉजिटिव रखें। सब्स्टिट्यूशन बेटा यहां पर अपने पास आ जाएगा कि हम एक्स की वैल्यू को, सब्स्टिट्यूशन में बोल रहा हूं कि हम एक्स की वैल्यू को बच्चों रख ले माइनस की, सोच के देखो अगर आपके पास नेगेटिव लिमिट्स हैं बेटा तो आपके पास इंपॉर्टेंट जो सब्स्टिट्यूशन आ जाता है कि आप एक्स की वैल्यू को रख लीजिए माइनस की, तो यहां से आपके पास डीएक्स क्या आ जाएगा माइनस डीटी, एक्स की वैल्यू को बेटा जैसे ही आप माइनस टी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों आपके पास डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डीटी, यार यहां से मेरे पास ये सवाल हो गया इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स, अब देखो अपने पास क्या आ गई, एक्स की जगह माइनस टी रखा है तो यहां माइनस ई जैसी रखूंगा तो ई से लेकर 1 बाय ई तक, ई से लेकर 1 बाय ई तक, और उसके बाद डीएक्स की जगह माइनस डीटी आएगा तो माइनस बार और मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स की जगह माइनस टी रखोगे तो माइनस टी रखो या प्लस टी रखो मॉड के अंदर तो फर्क पड़ता नहीं, आप बेटा यहां पर माइनस टी रखे या प्लस टी रखे मॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड से निकल के जो चीज आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, मॉड से निकल के बच्चों जो चीज आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, ये बात श्योर है। और यहां आ गया आपके पास डीटी क्योंकि माइनस साइन मैंने पहले एडजस्ट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए,
अब यार यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि यार अगर मान लो आपको e से 1 by e का मैंने मूवमेंट करा दिया, तो e से 1 by e में mod t को तो फर्क अब पड़ ही नहीं रहा। पहले देखो फर्क पड़ रहा था क्योंकि नेगेटिव साइड में मूवमेंट हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव लिमिट्स को चेंज करके पॉजिटिव लिमिट्स में कर दिया, तो अब इस mod t को क्या फर्क पड़ेगा। और आप बिल्कुल ये भी मत सोचिए कि सर यहां तो x था, यहां आपको माइनस t रखना चाहिए था, जरूरी नहीं है, क्योंकि mod के अंदर आप बेटा t रखो या माइनस t रखो, फाइनली निकल के पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। तो यार अगर मैंने यहां पर लिमिट्स ही पॉजिटिव कर दी, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस इंटीग्रल ऑफ e से लेकर 1 by e तक, माइनस इंटीग्रल ऑफ e से लेकर 1 by e तक मॉड ऑफ ln t dt, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये मॉड t का फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि लिमिट्स आपकी पॉजिटिव है, t का मूवमेंट आपके पास पॉजिटिव है, तो अगर t का मूवमेंट पॉजिटिव है तो मॉड t क्यों लिखना। बेसिकली ये t देखो पॉजिटिव ही तो निकल के आ रहा है ना, कुल मिला के x का पर्पस क्या था, मॉड का, कि x को पॉजिटिव रखे। यहां पर मॉड का पर्पस क्या था, कि ये जो t वाला आर्ग्यूमेंट है इसको पॉजिटिव रखे, तो देख लो t का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख लिया, ln t। इसको बच्चों अगर आप चाहें तो माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए आप प्रॉपर्टी 2 का, प्रॉपर्टी 2 का बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाय e से e, लिमिट्स मैंने बदल दी, मॉड ऑफ ln t dt, माइनस साइन बैलेंस हो गया अंदर, लिमिट्स मैंने चेंज कर दी। और यहां से बेटा आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो लॉग वाला फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन नेगेटिव कब होता है, लॉग वाला फंक्शन बच्चों नेगेटिव होता है जब बेस 1 से बड़ा हो और नंबर 1 से छोटा हो, ठीक है ना, जब बेस आपके पास 1 से बड़ा हो और नंबर 1 से छोटा हो। आपका इसका बेस देखो e है, अगर इसका बेस e है मतलब बेस 1 से बड़ा है, और नंबर अगर 1 से छोटा हो तब बेटा ये नेगेटिव खुलता है, तो दिस विल बी माइनस ln t, ठीक है ना, माइनस ln t इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी माइनस ln t। इसको आप जब ओपन करेंगे कहां से कहां तक, 1 by e से लेकर 1 तक, 1 by e से लेकर 1 तक बेटा जब आप जाओगे, देखो ये अभी आपके ये जो t का मूवमेंट है वो क्या है, t का मूवमेंट 1 से छोटा है, 1 by e भी 1 से छोटा है, और वहां से लेकर आप 1 तक जा रहे, तो उसमें ये मॉड कैसे ओपन हुआ, माइनस ln t, और दिस विल बी प्लस ln t। ये प्लस ln t होगा जब आपका बेटा देखो बेस तो 1 से बड़ा ही है, जब नंबर 1 से बड़ा हो जाए और यहां से ये चला जाए e तक। तो मैंने प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल करते हुए देखो पीस वाइज कंटिन्यूटी लगा दी, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, तो बेटा यहां पर आप जिस क्रिटिकल पॉइंट पे वो जीरो होता है, जहां पर साइन चेंज होता है, आपने उसके हिसाब से ब्रेक कर लिया, ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। अब देखो आपको बेटा ये भी याद होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ ln x क्या होता है, मैंने आपको लविंग इंटीग्रेट में बताया था, इंटीग्रल ऑफ ln x होता है x ln x माइनस x, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटीग्रल ऑफ ln x होता है x ln x माइनस x। और यहां पर भी बच्चों अगर आप चाहें तो आप बेटा इस माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए लिमिट्स बदल सकते हैं, या अगर माइनस साइन आपको रहने भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर रहने दो, अंदर देखो ln t का इंटीग्रल आ जाएगा t ln t माइनस t, और ये आप मूवमेंट कराओगे 1 by e 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ ln t अगेन, तो t ln t माइनस t। ये भी बेटा मूव कहां से कहां करेगा, 1 से लेकर e तक, ठीक है, इसका ही मूवमेंट कहां से कहां होगा, 1 से लेकर e तक। तो अगर बच्चों इस वैल्यूज को मैं यहां पर पुट करना चालू करूं, तो सबसे पहले यहां पे मैं 1 रखूंगा, तो 1 into ln 1, तो 1 into ln 1 तो क्या हो गया बेटा, 1 into ln 1 तो आपके पास 0 हो गया, और माइनस 1, 1 यहां रखेंगे तो माइनस 1, और माइनस 1 by e रखेंगे तो 1 by e, 1 by e into ln 1 by e, ln 1 by e is कितना होता बेटा, ln 1 by e माइनस 1, और माइनस 1 by e, ये अपने पास बेटा आ गई पहला वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके, और प्लस दूसरा ब्रैकेट t की जगह बच्चों e रखते ही, तो e into ln e 1 होता है माइनस e, ठीक है, और फिर माइनस 1 रखेंगे तो 1 into ln 1 गायब, और 1 यहां पर रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1, ये आ रहा है बेटा अपने पास पूरा का पूरा। तो अगर बच्चों इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास देखो क्या चीज आ जा रही है, ये e और माइनस e का बैलेंस हो गया, माइनस ऑफ माइनस दिस इज प्लस 1, और अगेन माइनस ऑफ माइनस दिस इज प्लस 1, तो यार ये तो 2 आ गया सबसे पहले, ठीक है ना, माइनस ऑफ माइनस दिस इज प्लस 1 एंड दिस इज प्लस 1, तो यहां तो आपके पास आ गया 2, और उसके बाद बेटा यहां पर देखो दिस इज माइनस 1 बाय e और माइनस 1 बाय e, तो दिस इज माइनस 2 बाय e और विथ अ माइनस साइन, तो प्लस 2 बाय e और विथ अ माइनस साइन, तो माइनस 2 बाय e, ये आ रहा है यार अपने पास, चेक कर लो, ये बेटा चीज आएगी माइनस से इधर था, ये चीज अलग थी, 2 माइनस 2 बाय e आएगा बेटा अपने पास, 2 माइनस 2 बाय e। अच्छा सवाल है बेटा, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ इसमें बच्चों सीखने को मिलता है, और इसमें एरर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो थोड़ा सा बेटा अपने को प्रिकॉशन लेते हुए चीजों को सॉल्व करना है।
अगला बच्चों अपने पास सवाल लिखा हुआ है, काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट इज अ 2-स्टार क्वेश्चन आप बोल सकते हो या 3-स्टार आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हो। अपने पास लिखा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 100 पाई। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 100 पाई ब्रैकेटेड ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ब्रैकेटेड ऑफ टैन इनवर्स एक्स डीएक्स। ये अपने पास बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से लेकर 100 पाई तक, या आप इसको 0 से 1000 पाई, या आप इसको 0 से 50 पाई, या आप इसको 0 से 2000 पाई, जो आपको लिखना हो सबका बेटा आंसर वही आएगा। तो 0 से लेकर 100 पाई तक ब्रैकेटेड ऑफ टैन इनवर्स एक्स डीएक्स, ठीक है। ये अपने पास बेटा चीज दी है। अब अगर हमारे पास बच्चों ये चीज दी है तो इसमें मैं बोलता हूँ 99.9% बेटा बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना। दिस फंक्शन इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको बेटा ये सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि यार टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। याद करो, याद बेटा आप करो, टैन इनवर्स एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि -π/2 से π/2 में बंधा हुआ होता है और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका बेटा जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना, कुछ अंदाजे से इस तरीके का बेटा इसका ग्राफ आएगा टैन इनवर्स एक्स का। आपको पता है ये पॉइंट जीरो है, दिस इज π/2, दिस इज -π/2 और ये इन्फिनिट तक इस तरीके से आगे बढ़ेगा। टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है बेटा ये हर जगह डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एवरीवेयर, लेकिन ये एक बाउंडेड फंक्शन है, -π/2 और π/2 के बीच से बंधा हुआ है। इसकी वैल्यू कभी भी -π/2 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी भी π/2 भी नहीं हो सकती। अब जरा सोच के देखो, यहां पर अगर बच्चों ब्रैकेटेड फंक्शन लिखा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू 1 कब होगी? π/2 मतलब क्या होता है? π/2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57, π/2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो इस पूरे की वैल्यू 1 कब आएगी? इस पूरे की वैल्यू बच्चों अगर आपको 1 करनी है, tan इनवर्स x की वैल्यू 1 कब होगी? व्हेन x इज tan 1, जब x की वैल्यू आपके पास आएगी tan 1, ठीक है ना। आप जैसे ही बोलेंगे कि साहब tan इनवर्स x की वैल्यू बताओ 1 कब हो रही है, तो π/4 पे नहीं होती, π/4 पे नहीं होती, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, लेकिन यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? tan 1, ठीक है ना। tan इनवर्स x की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी एट tan 1, जैसे आप यहां पर tan 1 डालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू tan 1 पर आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1। ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो यार इसका ब्रेकेज क्या होगा? इसका ब्रेकेज होगा आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टी अगर मैं 3 का इस्तेमाल करूं तो इंटीग्रल 0 से लेकर कहां तक? tan 1 तक, 0 से लेकर tan 1 तक। अभी आपको इंटीग्रेट करने बोला जा रहा है 0 से लेकर 100 पाई तक। इमेजिन करो 100 पाई कहीं यहां पर होगा, बहुत बाद में होगा लेकिन यहां पर कहीं पे होगा 100 पाई। आप इसको 100 पाई लिखो, 1000 पाई लिखो, 10000 पाई लिखो, 1 लाख पाई लिखो, सबका आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से लेकर tan 1 तक ब्रैकेटेड फंक्शन जो होगा बेटा वो क्या चलेगा? ब्रैकेटेड फंक्शन। यहां पे तो फिलहाल ऐसे लिख लो, चलो ब्रैकेटेड tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल tan 1 से लेकर 100 पाई तक, अगेन ब्रैकेटेड tan इनवर्स x dx, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। तो मुझे बच्चों जो चीज समझ में आनी चाहिए वो ये है कि यार 0 से लेकर tan 1 तक तो ये फंक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में मूव करेगा। जब आपके x का मूवमेंट 0 से tan 1 में होगा, x का मूवमेंट जब 0 से tan 1 में होगा तो ये वाला फंक्शन तो हमेशा 0 से 1 के बीच में मूव करेगा। तो यार ये अगर 0 से 1 के बीच में मूव करेगा तो इसका ब्रैकेटेड तो क्या आएगा? 0। इसका ब्रैकेटेड तो हमेशा क्या आएगा इस इंटरवेल में? 0 आएगा। अब इसको देखो, यहां पर बेटा जैसे ही आप बोले tan इनवर्स x tan 1 से 100 पाई के बीच में, tan 1 से 100 पाई के बीच में, तो बेटा ये हमेशा 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 1.57 से तो छोटा होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, 1 से हमेशा बड़ा होगा इस इंटरवल में, 1 से बड़ा होगा लेकिन 1.57 से हमेशा ही छोटा होगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी ले लो वैल्यू। आप यहां पर इंफिनिटी भी लिख दो तब भी ये 1.57 से छोटा होगा। आप बेटा यहां पर अगर इंफिनिटी भी लिख दोगे ना इंफिनिटी, तब भी आंसर वही आएगा, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पर आप देखो आपके पास क्या आ गया, tan 1 से लेकर 100 पाई तक, tan 1 से लेकर बेटा आपके पास आ गया 100 पाई तक, तो ब्रैकेटेड ऑफ tan इनवर्स x क्या आएगा? ब्रैकेटेड ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू 1 आएगी। इतने वाले इंटरवल में बेटा tan 1 से अगर आप बड़ा लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि ब्रैकेटेड फंक्शन तो एक इंटीग्रल वैल्यू ही देता है। यहां पर वो इंटीग्रल वैल्यू 0 थी इसलिए ये पूरी चीज 0 हो गई, लेकिन यहां पर इस इंटीग्रल वैल्यू की इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यार यहां से मेरे पास देखो क्या आ गया, 1 का तो क्या होता है इंटीग्रल x होता है, तो दिस विल बी x फ्रॉम कहां से कहां तक? tan 1 से लेकर 100 पाई तक। तो इसका आंसर आपके पास बेटा आ जाएगा 100 पाई
हंड्रेड पाई माइनस टेन, ठीक है क्या? अगर आप थाउजेंड पाई रखते हैं तो थाउजेंड पाई माइनस टेन बना जाता, वन लैख पाई लिखते हैं तो वन लैख पाई माइनस टेन बना जाता, बात वही है, बात वही है बेटा, ठीक है? इसमें बिल्कुल भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर विल बी हंड्रेड पाई माइनस टेन वन। इसको बेटा देखो, कराने की जो जरूरत थी, कराने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ ये थी कि बच्चा इस इनवर्स फंक्शन में कंफर्टेबल नहीं होता, बच्चे को इसके ग्राफ याद नहीं होते, ठीक है ना? इसको कराने की बेटा वजह सिर्फ यही थी कि आपको इसके ग्राफ याद नहीं होते, तो इन सबको याद आप करिए, क्योंकि अगर आप इनको बेटा याद नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, पेपर में सब कुछ याद होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट बेटा अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रल जीरो से लेकर टू पाई तक, इंटीग्रल जीरो से लेकर टू पाई तक रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रल जीरो से लेकर टू पाई तक रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स डीएक्स, ठीक है? इंटीग्रल जीरो से लेकर टू पाई तक रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स डीएक्स। अब ये बेटा अगर आपके पास सवाल दिया है तो अगेन इसको अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग से बेटा सोचें, बहुत कुछ आपको मैं इस सवाल में सिखाऊंगा, काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बेटा ये चीज इसमें फील आनी चाहिए कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, रेडिकल साइन को हटाने के लिए, रेडिकल वाले बेटा साइन को हटाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, वन को आप लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और उसके बाद माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना? इसको आप ऐसा लिख सकते हो। और आपको बेटा यहां से ये फीलिंग आ रही होगी कि यार इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसको हम ऐसा लिख लें जीरो से टू पाई में, दिस इज कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर और उसका रूट। अब आप इसको चाहते, आप इसको बेटा अगर चाहते तो साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर चाहें तो साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से आप अगर सॉल्व इसको करेंगे तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और रेडिकल के अंदर बेटा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि बाहर आपके पास क्या निकल के आएगा, तो मॉड्यूलस आपके पास आएगा बेटा निकल के मॉड ऑफ कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ये आएगा बेटा आपके पास, ठीक है? मॉड ऑफ कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अब बेटा जो मैं आपको सबसे पहले एक चीज सिखाना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज क्या है जो बच्चों मुझे आपको सिखानी है, वो ये है कि यार आपको अगर मॉड्यूलस ओपन करना है, मॉड्यूलस अगर आपको बेटा ओपन करना है तो मॉड्यूलस ओपनिंग के लिए बेटा आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप सिंगल कोसाइन बना के आगे बढ़े। मॉड्यूलस ओपनिंग के लिए आपके लिए बेटा ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको सिंगल कोसाइन बना के आगे बढ़े। मैंने आपको इंटीग्रेशन में ऐसे सवाल कराए हैं जिसमें हम सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन बनाते थे, क्योंकि देखो आप अगर बेटा सिंगल कोसाइन नहीं बनाओगे तो आपको मॉड्यूलस की लिमिट्स ब्रेक करने में बहुत तकलीफ आएगी, कब कॉस एक्स बाय टू बड़ा है कब साइन एक्स बाय टू बड़ा है उसके हिसाब से इसको ब्रेक करने में खासी बेटा तकलीफ आपके पास, अच्छी खासी तकलीफ आने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए ज्यादा बेटर क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा कि आप इसको सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट करो। सिंगल कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा आप रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो और आप रूट टू से इसको डिवाइड भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मॉड्यूलस के अंदर आपने ले लिया वन बाय रूट टू कॉस एक्स बाय टू माइनस वन बाय रूट टू साइन एक्स बाय टू, ठीक है ना? अपन ने बेटा इसको रूट टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको अपन ने रूट टू से डिवाइड भी कर दिया। ये चीज करते ही बेटा मेरे पास देखो क्या आ गया, ये वाला प्रोसेस करते ही मेरे पास आ गया रूट टू टाइम्स इंटीग्रल ऑफ जीरो से लेकर टू पाई तक कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब एक्स बाय टू प्लस पाई बाय फोर, ठीक है क्या? ये अपने पास आ गया मॉड्यूलस के अंदर और dx अपने पास लगा ये बाहर cos of x by 2 plus pi by 4 cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है? अब बेटा जैसे ही आपके पास सिंगल cos में आ गया, अब अगेन याद करो बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा सिंपलर फंक्शंस की तरफ इंक्लाइंड रहें, ठीक है ना? मॉड्यूलस ओपन करने के लिए सिंपलर फंक्शन जैसे ब्रैकेटेड के अंदर x square अच्छा नहीं लगता, x अच्छा लगता है या t अच्छा लगता है, जैसे आपके पास बेटा अगर साइन या कोसाइन का हो तो अगर आपको मॉड्यूलस ओपन करना है तो ज्यादा आपके लिए अच्छा क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा कि आपके पास अंदर यहां पर एक थीटा लिखा हो या टी लिखा हो, इतना गंदा सा फंक्शन अंदर लिखा होगा तो मजा आएगा क्या? मजा नहीं आएगा यार। तो सब्स्टिट्यूशन आप क्या करोगे, सिंपलर आप बेटा चीजें बनाए,
सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे कि आप यार x by 2 plus pi by 4 को t मान लो, x by 2 plus pi by 4 को जैसे ही आप t मानेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by 2 dx कांस्टेंट का गायब बराबर dt, तो यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा dx is equal to 2 dt। यहां पर बेटा जैसे ही इसको मैं पुट करूंगा तो दिस इज रूट 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, यहां पर लिखा हुआ है मॉड ऑफ cos, अंदर जो बेटा चीज लिखी है x by 2 plus pi by 4 उसको आपने t बोल दिया और dx की जगह 2 dt, तो 2 आप बाहर निकाल लो dt अंदर रहने दो। अब लिमिट्स देखो बेटा, लिमिट्स कैसे बदलेंगे, आपने जैसे x की जगह 0 रखा, 0 रखते ही आपके पास t की वैल्यू क्या आई, pi by 4, t की वैल्यू आपके पास आ गई pi by 4, और जैसे ही बेटा आपने x की जगह 2 pi रखा तो 2 pi रखते ही 2 pi by 2 is pi, pi plus pi by 4 is 5 pi by 4, ठीक है, this is 5 pi by 4, pi by 4 से 5 pi by 4 आ रहा है आपके पास, और यहां पर आपके पास आ रहा है 2 root, ठीक है क्या, और आपके पास आ रहा है मॉड ऑफ कॉस्ट। अब इसको आपके लिए ओपन करना आसान है, इसको आपके लिए बेटा ओपन करना आसान है, हालांकि इसको भी मैं बेटा डायरेक्टली बोल सकता हूं यहां से देख के कि आपके पास आंसर इसका 4√2 मेरे ख्याल से आएगा निकल के, मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, तो 4√2 आना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पाई का इंटरवल है ना, तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में मॉड ऑफ कॉस्ट ही क्या होता है 1 होता है, तो 1 और 1 2 और * 2√2 4√2 आना चाहिए, जो कि आंसर बेटा मैच भी हो रहा है। लेकिन अगेन चलो आपको मैं अच्छे से समझाता हूं, आप कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ कैसा होता है इस तरीके का बेटा, आपके पास कॉस का ग्राफ होता है, तो कॉस के ग्राफ में बेटा आपको पता है कि पाई बाय 4, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक आपका कॉस कैसा होता है, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक बेटा आपका जो कॉस का ग्राफ होता है दैट इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है, तो आप इसको लिखें दिस इज 2√2, 2√2 और ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक मॉड ऑफ कॉस टी विल बी कॉस टी डीटी, पॉजिटिव होगा, और उसके बाद बेटा जैसे ही आप पाई बाय 2 पे पहुंचे तो पाई बाय 2 से ये पाई हो गया, पाई पे माइनस 1 और फिर 5 पाई बाय 4 तक, यहां पर पाई बाय 2 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक आपका बेटा कॉस का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, तो दिस विल बी माइनस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा कॉस टी, मॉड ऑफ कॉस टी विल बी माइनस कॉस टी, तो कॉस टी डीटी, और इसका बेटा आपके पास इंटरवल कहां से कहां आ जाएगा, पाई बाय 2 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक, पाई बाय 2 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक, ये चीज आएगी बेटा अपने पास, देख लीजिए एकदम तसल्ली से देख लीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो यहां पे अपने पास बेटा आ गया 2√2, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कॉस टी का इंटीग्रल इज साइन टी, और साइन टी आप लेकर जा रहे हैं पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक, माइनस cos t का इंटीग्रल इज sin t, और sin t का आप मूवमेंट कर रहे हैं पाई बाय 2 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक, ठीक है, तो दिस इज 2√2, अब sin पाई बाय 2 होता है 1, माइनस sin पाई बाय 4 होता है बेटा 1 बाय रूट 2, माइनस के बाद sin 5 पाई बाय 4 क्या होता है, sin 5 पाई बाय 4 sin ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4, तो sin ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 इज तीसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव, मतलब माइनस sin पाई बाय 4 मतलब माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस sin पाई बाय 2 इज 1, ये आ गया अपने पास। यार यहां से तो मुझे देखो क्या चीज दिख रही है कि ये माइनस 1 बाय रूट 2 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाय रूट 2 ये तो कट गया, और 1 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 देख लो वही आ रहा आंसर 4√2 जो मैंने आपको बोला था, जो बेटा मैंने आपको बोला था, आप ग्राफ से भी इसको वैसे ही सोच के देख सकते हैं जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहाँ पे ग्राफ बना के कॉस वाला मॉड कॉस का आप उस तरीके से सोच सकते हैं, तो आंसर विल बी बेटा 4√2 बिल्कुल सही, ठीक है, आंसर विल बी 4√2। अब जो बेटा मैं आपको चीज सिखाया इस सवाल में, हमने क्या क्या इसमें सीखा, हमने बेटा सबसे पहले तो ये सीखा कि आपको रेडिकल साइन हटाते हुए जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मॉड लगाना होता है, ये बात हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल थी, बिल्कुल नई थी हमारे लिए। उसके बाद जैसे ही आपने ये मॉड वाली बेटा चीज लगा ली तो मॉड वाली चीज को ब्रेक करना आपके लिए आसान कब होगा, जब आपके पास अंदर सिंगल कोसाइन है, ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म, आसान टर्म, हमेशा मैं बोल रहा हूं आसान चीजों को आप सब्स्टिट्यूट करो, कुछ ऐसा करो कि सवाल आसान हो और कठिन ना हो। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, जैसे ही आपने बेटा ये देखा तो आप इसको रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट किए, इससे बेहतर अब ये दिख रहा है। लेकिन इसको और सुंदर बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि यार इस x प्लस x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 को भी आप t से रिप्लेस कर दो ताकि थोड़ा सा और सुंदर बने। तो अगर ये थोड़ा सा और सुंदर बने तो आपने ये लिखा तो अब एकदम सुंदर बन गया सवाल, एकदम अच्छा सा दिखने लगा। और जैसे ही अच्छा सा सवाल अब दिखने आपको लगा तो मॉड cos t के लिए बेटा आपने cos t का देखो ग्राफ, अगर किसी बच्चे को यहां पर ना समझ में आया हो कि मैंने क्या किया तो आप बेटा यहां पर देखो समझ लो, बहुत इजी, इट इज वेरी इजी, इस तरीके का आपके पास ग्राफ है,
आप देखो मूवमेंट कर रहे हो पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर यहां पर कहीं पर होगा, मतलब कि इतना ग्राफ तो आपको दिख ही नहीं रहा, ये आपका पाई बाय फोर होगा। आपको देखो दिखाई दे रहा है कि पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय टू तक आपका ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है। इसको मैं हाईलाइट भी ऐसे कर देता हूँ, पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक आपका ग्राफ पॉजिटिव है। और उसके बाद बेटा ये आपके पास आएगा थ्री पाई बाय, सॉरी ये आपके पास आएगा पाई बाय पाई का पॉइंट, और ये आपके पास आएगा बेटा फाइव पाई बाय फोर का पॉइंट। दिस इज द पॉइंट ऑफ फाइव पाई बाय फोर। ठीक है, तो आपने मूवमेंट कहां से कहां आपने कराना है बेटा, आपने मूवमेंट कराना है फ्रॉम पाई बाय फोर टू फाइव पाई बाय फोर। तो देखो ये पाई बाय फोर से लेकर फाइव पाई बाय फोर तक आपका पूरा ग्राफ आपको कहां दिख रहा है, नेगेटिव में दिख रहा है। ठीक है ना, तो मॉड ऑफ कॉस टी देखो कैसा खुला, माइनस कॉस टी बन के खुला। ठीक है, अब मुझे लगता है बेटा आपको ये चीजें क्लियर होंगी, आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसान है बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे लेक्चर्स को पूरे ईमानदारी से सुनिए, कोई भी डाउट आने पे आप बेटा कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास बच्चों जो सवाल लिखा है, ठीक है, ये जेई का सवाल है बेटा, साल 2000 में आया था। हालांकि आप लोगों की बात मानते हुए मैं बेटा वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है ना, मैंने डिसाइड किया कि मैं वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा पीवाईक्यूज ऑफ जेई पर, कि जितने भी प्रीवियस ईयर में जेई मेन्स या एडवांस में सवाल आए होंगे उसका एक वन शॉट वीडियो, चाहे आपके पास वो दो घंटे का हो, तीन घंटे का हो, चार घंटे का हो, इट डजंट मैटर, लेकिन एक वीडियो जिसमें लाइन से सारे सवाल होंगे जेई मेन्स और एडवांस के, जिससे बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे। ठीक है, सवाल अपने पास लिखा है इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस वन से ई स्क्वायर, ई रेस टू द पावर माइनस वन से लेकर ई स्क्वायर तक मॉड ऑफ एलेन एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। ठीक है, ये अपने पास बच्चों सवाल है, e की पावर माइनस वन से लेकर e स्क्वायर मॉड ऑफ एलेन एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। ठीक है, ये अपने पास बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे अगर मुझे बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है, इसे मुझे अगर सॉल्व करना है तो मुझे एक चीज पता है कि यार e की पावर माइनस वन क्या होता है, e की पावर माइनस वन तो वन बाई ई होता है, तो यार वन बाई ई से लेकर ई स्क्वायर, वन बाई ई से लेकर ई स्क्वायर तो सारे पॉजिटिव नंबर है, सारे पॉजिटिव नंबर है, तो ये नीचे वाला एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वन बाई ई से ई स्क्वायर तक नीचे वाला एक्स हमेशा पॉजिटिव है। मॉड्यूलस में गड़बड़ किस पे होगी, गड़बड़ होगी एलेन एक्स पे। क्यों एलेन एक्स पे गड़बड़ होगी, क्योंकि एलेन एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है जब बेस और नंबर दोनों वन से बड़ा हो, और वो नेगेटिव होता है जब बेटा आपके पास बेस तो वन से बड़ा हो लेकिन नंबर वन से छोटा हो जाए। तो आपको दिखाई दे रहा है वन बाय ई तो वन से छोटा है, तो आप इसको देखो ब्रेक कैसे करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे वन बाय ई से वन, और फिर बेटा आप इसको ब्रेक करोगे फ्रॉम वन टू ई स्क्वायर, वन बाय ई से वन और फ्रॉम वन टू ई स्क्वायर। अब जब बच्चों आपने इसको वन बाय ई से वन में ब्रेक किया, जब आपने इसको वन बाय ई से वन में ब्रेक किया तो देखो यहां पर बेस वन से बड़ा है लेकिन ये नंबर वन से छोटे हैं, तो मॉड ऑफ एलेन एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ एलेन एक्स नेगेटिव होगा। नीचे वाला जो मॉड एक्स है वो तो हमेशा पॉजिटिव है, पूरे इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाला जो मॉड एलेन एक्स है ना वो इस इंटरवल में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस वन के खुलेगा, तो दिस विल बी माइनस एलेन एक्स बाय एक्स डीएक्स प्लस, ये बेटा यहां पर पॉजिटिव रहेगा वन से ई स्क्वायर में, क्योंकि अब आपके पास नंबर जो है वन से ई स्क्वायर वो वन से बड़ा है, बेस भी वन से बड़ा है, तो ऊपर वाला लॉग भी पॉजिटिव, नीचे वाला एक्स भी पॉजिटिव, तो दिस विल बी एलेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एलेन एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। ये अपने पास बच्चों सवाल, आप अगर चाहें तो इस माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए लिमिट्स बदल सकते हैं, लिमिट्स आप लगा सकते हैं वन से लेकर वन बाय ई तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिमिट्स आप लगा सकते हैं वन से लेकर वन बाय ई तक। तो बहुत आसान सा इसमें आपको देखो सब्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा कि आप एलेन एक्स को अगर टी डालेंगे तो वन बाय एक्स डीएक्स तुरंत आपके पास डी टी बनेगा, एलेन एक्स को बच्चों टी डालते ही वन बाय एक्स डीएक्स आपके पास तुरंत डी टी बनेगा, तो एलेन एक्स को अगर मैं टी डालूंगा तो वन बाय एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो ये आपके पास आ गया टी डी टी, कहां से कहां तक, तो एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू वन रखूंगा तो एलेन वन तो जीरो होता है जीरो, एक्स की वैल्यू वन बाय ई, वन बाय ई अगर यहां पर रखूंगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, प्लस इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, यहां पर देखो जैसे आप एक्स की वैल्यू वन रखोगे यहां पर आएगा जीरो, और ई स्क्वायर रखोगे तो ई स्क्वायर रखते यहां पर आएगा टू, ये अपने पास आ गया। तो यहां से अपने पास क्या आ गया बेटा, t का इंटीग्रल इज t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू माइनस 1 प्लस t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 2, बस वैल्यूज पुट कर दो, माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 2, 0 रखोगे तो माइनस 0,
प्लस टू रखोगे तो टू स्क्वायर फोर बाई टू इज टू, माइनस जीरो रखोगे तो जीरो, तो वन बाई टू प्लस टू कितना आएगा बेटा, फाइव बाई टू आएगा क्या? देख लो यही आंसर है अपने पास, वन बाई टू प्लस टू बेटा आप जैसे ही करेंगे दिस विल बी फाइव बाई टू, बिल्कुल सही। ठीक है, आई होप बेटा अगेन अब आपको प्रॉपर्टी थ्री क्लियर हो गई होगी, प्रॉपर्टी थ्री आपको अच्छे से बच्चों क्लियर हो गई होगी। चलिए बेटा आपको मैं कुछ आसान आसान से और इसमें सवाल कराता हूँ, फिर अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। अपने पास है इंटीग्रल जीरो से लेकर थ्री, जीरो से लेकर थ्री मॉड ऑफ फाइव एक्स माइनस नाइन डीएक्स, एकदम इजी जी से बेटा मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंटीग्रल जीरो से लेकर थ्री मॉड ऑफ फाइव एक्स माइनस नाइन डीएक्स। ठीक है, अब आपको पता है बेटा इस मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट कहां पर है, तो इस मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट है 9 बाय 5 पे, इस मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट है 9 बाय 5 पे, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार अगर आप 0 से 9 बाय 5 में इसको ब्रेक कर दो और उसके बाद आप इसको ब्रेक कर दो 9 बाय 5 से लेकर 3 तक, तो ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और 0 से 9 बाय 5 के अंदर अंदर बेटा ये मॉड हमेशा नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी 9 माइनस 5x dx, और प्लस 9 बाय 5 से अगर मैं 3 में जाऊंगा तो 9 बाय 5 से 3 में ये वाला बेटा जो मॉड होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दिस विल बी 5x माइनस 9 dx। तो यार यहां से देखो आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा 9x और माइनस 5x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक 0 से 9 बाय 5 तक, प्लस 5x का 5x स्क्वायर बाय 2 माइनस 9x कहां से कहां तक, तो 9 बाय 5 से लेकर 3 तक। आसान आसान से सवाल सो दैट कि आपके कंसेप्ट अच्छे से बेटा क्लियर हो जाए, 9 बाय 5 रखोगे तो 9 इंटू 9 बाय 5 माइनस 5 बाय 2 इंटू 9 बाय 5 का स्क्वायर, और फिर माइनस आप बेटा यहां करोगे तो ये आ जाएगा 0, प्लस 3 अगर मैं रखूंगा तो 5 बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9 इंटू 3 इज 27, माइनस 9 बाय 5 अगर रखूंगा तो 5 बाय 2 इंटू 9 बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है 5 बाय 2 इंटू 9 बाय 5 का स्क्वायर, और माइनस 9 इंटू 9 बाय 5, ये आ गया अपने पास। बस इसी को बच्चों अब सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास लिखा है 9 स्क्वायर बाय 5, ठीक है यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है माइनस, ये नीचे बेटा 5 स्क्वायर लिखा है ऊपर एक 5 लिखा है, तो नीचे एक आपके पास 5 बचेगा और एक 2 बचेगा, तो यहां आएगा 10 और ऊपर आपके पास आ जाएगा 9 स्क्वायर, ठीक है तो माइनस 9 स्क्वायर बाय 10, फिर प्लस 9 इंटू 5 इज 45 बाय 2 माइनस 27 माइनस, अगेन इसको देखेंगे बेटा तो दिस इज 9 स्क्वायर, ठीक है एक 5 इससे कट जाएगा तो दिस विल बी बाय 10, और माइनस ऑफ माइनस बच्चों यहां पर आप करेंगे इसको माइनस ओपन कर देते हैं, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 9 स्क्वायर बाय 5, ये आ रहा है। तो फाइनली देखो आ क्या रहा है अपने पास, ये आ रहा है 9 स्क्वायर बाय 10 और 9 स्क्वायर बाय 10 दोनों माइनस का है, तो माइनस 9 स्क्वायर बाय 10 और माइनस 9 स्क्वायर बाय 10 विल बी माइनस 9 स्क्वायर बाय 5 और एक 9 स्क्वायर बाय 5, ये तो कट जाएगा। तो यार यहां से बेटा मुझे ये चीज आती हुई दिख रही है कि दिस 9 स्क्वायर को भी आप लिख लो 81, ठीक है आप इसको लिख लो बच्चों 81, और आप ऐसा करो एलसीएम लेके एक बार सॉल्व करो, तो जैसे ही बेटा आप इसका एलसीएम लेंगे आपके पास एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, एलसीएम इसका 10 आएगा, तो 2 इंटू 5 आपके पास 10 होता है, तो 45 इंटू 5 40 into 5 आ जाएगा 200 और 225, ठीक है फिर 10 आएगा तो this will be 270 और यहाँ पे 5 into 2 तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा plus 162, तो यहाँ से बेटा आपके पास जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है देखो 225 minus 270, 225 minus 270 will be 45 minus 45 और 162 minus 45, 162 minus 45 बच्चों हम जैसे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 162 में से 45 अगर जाएगा तो 117 बाय 10। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट बेटा अपने पास सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 से लेकर 3 तक, माइनस 1 से लेकर 3 तक ब्रैकेटेड ऑफ x प्लस हाफ dx, एकदम सिंपल सा सवाल, ठीक है ना एकदम बेटा सिंपल सा सवाल है। देखिए आपको मैं लिमिट्स ब्रेक करना सिखा रहा हूं कैसे लिमिट्स ब्रेक करते हैं, सबसे पहले आप इस x प्लस हाफ को कुछ अच्छा सा मानिए सिंपल बनाइए, तो इसको अपन t मान लेते हैं, तो इसको जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx, dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी dx विल बी इक्वल टू dt, तो सवाल आपके पास बन गया x प्लस हाफ इज ब्रैकेटेड ऑफ t dt, ये आपके पास सवाल हो गया। और लिमिट्स कहां से कहां आ गई, x की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 प्लस हाफ इज माइनस हाफ,
से लेकर 3 रखोगे तो 3 प्लस हाफ इज 7 बाइट, ये आपके पास बच्चों आ गए लिमिट्स। ठीक है, इसका अगर बेटा आप ब्रेक करेंगे तो आप इसको लिखेंगे माइनस हाफ से लेकर 0, ठीक है, और ब्रैकेटेड ऑफ टी यहां पर क्या आएगा, 0 माइनस 1 आएगा, प्लस यहां पर बेटा आप अगर जाएंगे 0 से लेकर 1 तो ब्रैकेटेड ऑफ टी क्या आएगा, 0, फिर आप जाएंगे 1 से लेकर 2 तो ब्रैकेटेड ऑफ टी क्या आएगा, 1, फिर आप जाएंगे बेटा यहां पर 2 से लेकर 3 तो ब्रैकेटेड ऑफ टी आएगा 2, और उसके बाद बेटा 3 से लेकर ये क्या लिखा हुआ है 7/2 इज 3.5, तो आप इसके बाद बेटा जाएंगे 3 से लेकर 7/2 तक तो ब्रैकेटेड ऑफ टी कितना आएगा 3। ये आपके पास सवाल है सिंपल सा। तो यार यहां से तो आपके पास क्या आ गया माइनस 1 इंटू ये क्या आ गया माइनस टी फ्रॉम माइनस हाफ टू 0, ये आपके पास खत्म, प्लस टी फ्रॉम 1 टू 2 प्लस टी टू टी, यहां पे आपके पास आ जाएगा प्लस 2t फ्रॉम 2 टू 3 प्लस 3t फ्रॉम 3 टू 7/2। तो यहां पे अपने पास बच्चों आ जाएगा ये चीज, देखो जैसे आप रखोगे तो माइनस 0 और माइनस हाफ, ये आ जाएगा माइनस बाहर है तो 0, यहां पे बेटा देखो माइनस आपके पास बाहर है तो 0 और माइनस माइनस हाफ लिखेंगे तो प्लस हाफ आएगा, फिर यहां पर प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 7/2 माइनस 3, ये अपने पास बच्चों चीज आ रही है। तो दिस इज माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 7/2 माइनस 3 इज कितना आ जाएगा बेटा 7/2 माइनस 3 इज 1/2 प्लस 3/2, तो अपने पास देखो आंसर क्या आ रहा है 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है 2/2 दैट इज 1, 1 और 1 2 और 2 4, 4 आ रहा है इसका आंसर। सिंपल सा सवाल है लेकिन कंसेप्ट बेटा क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो क्वेश्चन दिया है दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 4, इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 4 ln ऑफ ब्रैकेटेड x dx, इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 4 ln ऑफ ब्रैकेटेड x dx, ठीक है, जहां पर ये वाला जो फंक्शन है अगेन वो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ तो अगेन आपको ब्रैकेटेड का ब्रेकेज पता है कि आप 1 से 2 में अगर जाएंगे तो दिस विल बी ln 1 dx, फिर आप अगर 2 से लेकर 3 तक जाएंगे तो दिस विल बी ln 2 dx, और फिर बेटा जैसे आप 3 से लेकर 4 तक जाएंगे तो दिस विल बी ln 3 dx। सिर्फ आपके कंसेप्ट का रिविजन हो रहा है बार बार, ln 1 बच्चों 0 होता है तो यार ये तो 0 आएगा, फिर ln 2 बाहर और इसका इंटीग्रल dx क्या आ जाएगा x फ्रॉम 2 टू 3, और उसके बाद प्लस ln 3 बाहर इंटीग्रल ऑफ dx आ जाएगा x फ्रॉम 3 टू 4, तो ये मेरे पास आ गया 3 माइनस 2 दिस इज ln 2 प्लस 4 माइनस 3 दिस इज ln 3, तो फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा अपने पास ln 6, फाइनल आंसर विल बी ln 6। ठीक है, एक दो छोटे आपको मैं सवाल और करा देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा बच्चों कॉन्फिडेंस इसमें इंक्रीज हो जाए, फिर अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है माइनस 3 से लेकर 1 तक, माइनस 3 से लेकर 1 तक मॉड ऑफ x प्लस 1 dx, माइनस 3 से लेकर 1 तक मॉड ऑफ x प्लस 1 dx, तो आप देखो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यार x प्लस 1 को t मान लो, मॉड ऑफ x प्लस 1 dx, तो आप बोलोगे x प्लस 1 को t मान लो, तो dx विल बी dt, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा मॉड ऑफ t dt, ये आ जाएगा आपके पास। और बेटा यहां पर लिमिट्स अगर आप देखेंगे तो देखिए माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 दिस इज माइनस 2 और 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब मैं माइनस 2 से 0 जाऊंगा तो मॉड t विल बी माइनस t dt, और जब मैं 0 से लेकर 2 तक जाऊंगा तो ये पॉजिटिव होगा तो दिस विल बी t dt, यही आएगा। और यहां पर भी बेटा माइनस साइन को आप बैलेंस करने के लिए चाहें तो लिमिट्स बदल सकते हैं तो दिस विल बी फ्रॉम 0 टू माइनस 2, तो t dt क्या होता है बेटा t स्क्वायर बाय 2, t square by 2 from 0 to minus 2 plus again t square by 2 from 0 to 2, तो minus 2 रखेंगे तो minus 2 का square 4 by 2 is 2 minus 0 और plus 2 square is 4 by 2 is 2 minus 0, इसका भी आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है अपने पास। ठीक है, क्या देख लो छोटे छोटे से सवाल है, एक आखिरी सवाल अपन करते हैं फिर आज का लेक्चर एंड अपन करेंगे। थोड़ी देर पहले बेटा इस तरीके का मैंने आपको सवाल कराया भी था, इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स, ठीक है, एक बार बस इसको अपन रिवाइज और कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स, एक दफे इसको और देख लेते हैं फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे।
आपको दिखाई दे रहा है कि मॉड ओपन करने के लिए ज्यादा बेटर होगा हम सिंगल कोसाइन बनाए, तो सिंगल कोसाइन बनाने के लिए बेटा मैं आपको बोलूंगा आप रूट टू से इसको मल्टीप्लाई भी करो और आप इसको रूट टू से डिवाइड भी करो, तो दिस विल बी 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, ऐसे ही आप बोलेंगे इसको। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा रूट टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेकर पाई cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b इज अगेन cos ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b मतलब x प्लस पाई बाय 4, ये हमारे पास बच्चों लिखा है और इसका भी लगा हुआ है मॉड cos ऑफ a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b। और इसमें बेटा देखो आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि यहां पर अपने को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं लगता, तो हम बोलेंगे कि यार x प्लस पाई बाय 4 को भी आप t बोलो, तो x प्लस पाई बाय 4 को अगर आप t बोलोगे तो dx विल बी dt, x प्लस पाई बाय 4 को अगर बेटा मैं t बोलूंगा तो dx विल बी dt। थोड़ा सा अपन बेटा इतने हिस्से को बस क्लियर कर लेते हैं ताकि सवाल सॉल्व हो जाए। तो यहां से बच्चों देखो आपके पास सवाल क्या आ जाएगा, रूट टू टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, रूट टू टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, यहां से बेटा देखिए ध्यान से, रूट टू टाइम्स इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ ये जो पूरी चीज थी बेटा cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4 अगर t है तो दिस विल बी मॉड ऑफ cos t, मॉड ऑफ cos t और उसके बाद dx is dt, तो मॉड ऑफ cos t dt। और इंटीग्रल क्या है बेटा, लिमिट्स अगर आप देखेंगे 0 रखोगे तो पाई बाय 4 आएगा, पाई रखोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4 is 5 पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। यार ये तो वही सवाल बन गया जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखो पाई का इंटरवल है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये वाली जो पूरी चीज है थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई थी, ये वाली चीज आई थी 2, तो फाइनल आंसर शुड बी 2 रूट। थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि वो वाली चीज आपके पास आएगी तो फाइनल आंसर विल बी 2 रूट। ठीक है, तो विद दिस बच्चों हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको बहुत मजा आया होगा। तीनों प्रॉपर्टीज पर बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए, कुछ आसान आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और कुछ डिफिकल्ट। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आज आपने जो भी बेटा नया सीखा, जिस तरीके से आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद हुआ मुझे कमेंट्स में अभी तुरंत बताइए, ताकि मेरा इसी तरीके से बेटा कॉन्फिडेंस बना रहे आपको ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।